दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में। रिबेट का मतलब आप इस तरीके से समझिए कि आपको अगर टैक्स का पेमेंट करना पड़ा था 10,000 रुपये का, इसमें से अगर आपके 2,000 रुपये लेस हो जाते हैं तो अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा 8,000 रुपये का। तो ये जो 8,000 रुपये का पेमेंट आप कर रहे हो, लेस पेमेंट कर रहे हो, मतलब आपको 2,000 रुपये का एक तरीके से कह लो आप डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, अपने टैक्स में से। तो ये जो डिस्काउंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिबेट, ठीक है। और ये रिबेट आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 87A। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन से केस में आपको 87A का रिबेट मिलता है, उसके बाद ये भी बात करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ रिबेट आपको मिलेगा और किस केस में आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि मान लो अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मान लो आपको अगर पेमेंट करना पड़ा, तो LTCG के टैक्स और STCG के टैक्स में आप किस तरीके से इस रिबेट को क्लेम कर सकते हो। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे, लास्ट तक पूरा देखेगा। और मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट यहाँ पर रहेगा इस पर्टिकुलर रिबेट को लेकर के। टॉपिक को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A की हम अगर बात करें तो सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर बोला जा रहा है अवेलेबल ओनली टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, मतलब पहले तो देखो आपको इंडिविजुअल होना पड़ेगा, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तभी आपको मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो आपको ये नहीं मिलेगा, अगर आप एक NRI हो तो आपको ये नहीं मिलेगा। उसके बाद आपकी जो टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम जो प्रीवियस ईयर में आप असेस कर रहे हो वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 5,00,000 रुपये को। मतलब आपकी जो टोटल इनकम है, जैसे मान लो आप सबसे पहले तो आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हो जो 5 हेड को टोटल करके निकालते हो, इसमें से फिर आप लेस करते हो अपने डिडक्शंस को, डिडक्शन फ्रॉम 80C to 80U, ये आप लेस करते हो। इसके बाद आपको मिलती है यहाँ पे टोटल इनकम। अब क्या होता है, जो टोटल इनकम है इसी पे आपको यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो टोटल इनकम आपकी निकली है, ये टोटल इनकम अगर 5,00,000 रुपये या उससे कम है तभी आपको ये रिबेट मिलेगा। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम 5,00,000 को एक्सीड कर जाती है तो ये रिबेट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद कितना अमाउंट ऑफ रिबेट आपको मिलेगा, तो ये रिबेट आप क्लेम कर सकते हो 12,500 रुपये तक के टैक्स पे। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर जो टोटल इनकम पे टैक्स निकाला था वो आपने निकाला था 13,000 रुपये का, ठीक है, जो टैक्स आपका बन रहा था ये टोटल इनकम पे वो 13,000 रुपये का बन रहा था। ये 13,000 रुपये में से आप क्लेम कितना कर सकते हो, 12,500 रुपये तक, मतलब 12,500 रुपये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा का क्लेम आप नहीं कर सकते। तो 12,500 रुपये आप इसमें से लेस कर दोगे, लेस करने के बाद आपका अमाउंट बनेगा 500 रुपये। तो ये 500 रुपये पे टैक्स, मतलब ये जो 500 रुपये टैक्स है ये आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब इसमें सेस भी आप ऐड करोगे प्लस 4% का सेस ऐड करने के बाद, मतलब 500 रुपये और प्लस 4% का सेस इस 500 रुपये पे, ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद अप्लाई टू द टोटल टैक्स बिफोर एडिंग अ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4%। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हो, उसमें से फिर आप डिडक्शन को लेस करते हो, उसके बाद आपको मिलती है यहाँ पे टोटल इनकम। ये टोटल इनकम पे आपका टैक्स बनता है और इस टैक्स में आप ऐड करते हो अपना सरचार्ज। लेकिन देखिए सरचार्ज की बात तब आती है जब आपकी इनकम 50,00,000 को क्रॉस करे, तो यहाँ तो हमसे 5,00,000 तक की बात कर रहे हैं, तो सरचार्ज को हटा देते हैं। चलिए यहाँ पर आप फिर ऐड करोगे अपना हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जो रिबेट मिल रहा है 12,500 रुपये तक का, वो इस टैक्स पे मिलेगा, इस सरचार्ज पे नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे मिलेगा, टैक्स पे मिलेगा। मतलब जो हम लोगों ने 13,000 रुपये की बात अभी की थी, ये 13,000 रुपये पे हम लोग पहले लेस कर देंगे 12,500 रुपये, इसके बाद जो हम लोगों का टैक्स बन रहा होगा उस पर हम कैलकुलेट करेंगे 4% का सेस, मतलब 500 रुपये का 4%, और ये टोटल अमाउंट हम लोग टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। ये नहीं होगा कि आप 13,500 रुपये में प्लस ऐड कर दो 4% का सेस और उसके बाद आप रिबेट को क्लेम करो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपको सेस कार्ड यहाँ पर रिबेट नहीं मिला, आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स का रिबेट यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद देखें HUFs, फर्म्स और कंपनीज कैन नॉट क्लेम दिस रिबेट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, इंडिविजुअल्स को मिलता है, और इंडिविजुअल में भी जो रेजिडेंट इंडिविजुअल होते हैं उनको मिलता है। तो अगर आप एक HUF हो, फर्म हो या फिर कंपनी हो तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। इसके बाद ऑल्सो अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115BAC। आप जानते हो जैसे कि दो टैक्स रिजीम इस समय चल रही है, एक तो वही नॉर्मल वाली है 2,50,000 तक की इनकम पे नील, उसके बाद 2,50,000 से 5,00,000 पे 5%, फिर उसके बाद 5,00,000 से 10,00,000 पर 20%, और उसके बाद 30%। एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम भी आ गई हम लोगों के पास में, जिसमें अलग अलग रेट्स यहाँ पर दिए गए, 5%, फिर उसके बाद 7.5%, फिर 10%, फिर 12.5%।
तो अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हो, मतलब ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम को अगर आप ऑप्ट कर लेते हो, तो इसमें भी आपको ये रिबेट मिल जाएगा अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है। उसके बाद नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड सुपर सीनियर सिटीजन आर नॉट एलिजिबल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि रेजिडेंट इंडिविजुअल को सिर्फ मिल रहा है, नॉन रेजिडेंट यानी कि NRIs को ये नहीं मिलेगा। उसके बाद सुपर सीनियर सिटीजन को भी नहीं मिल रहा है। देखिए सीनियर सिटीजन में क्या होता है, जैसे सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन को बोलते हैं 60 साल से लेकर के 80 साल तक के जो लोग होते हैं। अगर आपकी एज 60 to 80 है तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हो। अगर आपकी एज जो है वो 80 ईयर्स को क्रॉस कर चुकी है तो आपको बोला जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन अगर आप हो तो आपकी इनकम जो एग्जेम्प्ट होती है वो 3 लाख तक की होती है अभी के अगर टैक्स रिजीम की हम बात करें, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो आपकी इनकम जो है वो 5 लाख तक की एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की जो है वो एग्जेम्प्ट हो रही टैक्स से, इसका मतलब आपको टैक्स का कुछ पेमेंट करना ही नहीं है। तो अगर आपको टैक्स का कुछ पेमेंट यहाँ पे करना ही नहीं है तो आप फिर रिबेट किस चीज़ का लोगे, मतलब टैक्स आपका बना जीरो, तो जीरो पे थोड़ी आप रिबेट ले लोगे, क्योंकि इनकम क्या बोल रहे हैं, रिबेट क्या बोलता है, आपकी इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हो और आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक ही है मान लो, तो आपका पूरा का पूरा टैक्स तो ऐसे ही एग्जेम्प्ट हो गया, तो आप रिबेट क्या क्लेम करोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बोल रहे हैं कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द टैक्स ऑन LTCG अंडर सेक्शन 112 एंड STCG अंडर सेक्शन 111A। जैसे कैपिटल गेन की अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन दो तरीके के होते हैं, एक तो देखिए होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम दो और सेक्शन में यहाँ पर क्लासीफाई कर देते हैं, एक होता है 112 और एक होता है 112A। जो 112A होता है इसके अंदर में आता है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो गए, ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो ये सारे 112A के अंदर में आते हैं। इसके बाद जो भी अदर असेट बच जाते हैं उनको हम लोग 112 में डाल देते हैं। 112A में अगर आप देखें तो यहाँ पर 10% का रेट ऑफ टैक्स होता है, यहाँ पर होता है 20% का, ठीक है, विद इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन है, अगर आप इंडेक्सेशन नहीं करते हो तो फिर 10% का। STCG की अगर हम बात करें तो देखिए एक इसमें होता है 111A, तो 111 के अंदर में वही होते हैं जो हम लोगों के एसेट होते हैं 112A के अंदर में, मतलब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो गए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो ये 111A के अंदर में आ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वो आपका नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाता है, तो वही नॉर्मल स्लैब पे चलेगा आपका 2.5 लाख तक का, तो इसको हम लोग क्लासीफाई इसी में करते हैं, और इस पर आपका रेट जो बनता है वो 15% का बनता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो रिबेट आपको मिलेगा वो सेक्शन 112 में मिल जाएगा, मतलब अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका बन रहा है वो अगर सेक्शन 112 के अंदर में बना है तो फिर आप इस पर क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A के अंदर में तो उस पर क्लेम कर लोगे। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो 111A के अंदर में तो क्लेम कर ही सकते हो, बाकी इसके अलावा जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपका नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाता है, तो उस पर भी आप क्लेम कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस सारे के सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो भी आपका टैक्स बन रहा है वो आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हो, मतलब उसका आप रिबेट क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 87A। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 112 के अंदर में आ रहा है तभी आप रिबेट एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपका 112A के अंदर में आता है, मतलब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपको टैक्स पे करना है या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड पे टैक्स आपको पे करना है, तो फिर आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते उसका, मतलब उसमें आप उस टैक्स में उस रिबेट को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद लास्ट पॉइंट में यही चीज़ बोली, कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द टैक्स ऑन LTCG अंडर सेक्शन 112A ऑन इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो अगर आपका इसके अंडर में आ रहा है तो फिर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अब देखिए आती मेन चीज़ यहाँ पे, अगर आपको मान लो टोटल इनकम हो रही नॉर्मल इनकम है, ठीक है, जो नॉर्मल हमारे स्लैब के हिसाब से चलती है उसकी बात की जा रही है। अगर आपकी इनकम देखो यहाँ पर सबसे पहले 3.5 लाख रुपये, ठीक है, 3.5 लाख रुपये की इनकम पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो टैक्स बन रहा है वो 5,000 रुपये का बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखिए 2.5 लाख तक का ये 60 ईयर्स से बिलो का लिया गया है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेस देन 60 ईयर्स वाला है ये, तो 2.5 लाख तक पे तो नील हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा 1 लाख रुपये, मतलब 3.5 लाख रुपये में से 2.5 लाख आपका एग्जेम्प्ट हो गया, बचा 1 लाख रुपये। तो जो 1 लाख रुपये है इस पर आपको पे करना पड़ेगा 5% के हिसाब से, तो ये आपका बनेगा 5,000 रुपये, ठीक है। तो टैक्स बिफोर सेल्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बना 5,000 रुपये। रिबेट आपको कितना मिलेगा, रिबेट आपको मिलेगा यहाँ पर 12,500 रुपये तक का मैक्सिमम होता है। देखिए क्या होता है इसमें, मान लीजिए कि आपका टैक्स जो बन रहा है वो 13,000 रुपये का बन रहा है, तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो 12,500 रुपये तक का मैक्सिमम, मतलब एक सीलिंग लगी हुई है, इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। तो 12,500 रुपये आप क्लेम करोगे तो इसमें आपको पेमेंट जो करना पड़ेगा वो पेमेंट करना पड़ेगा 500 रुपये का। लेकिन अगर आपका टैक्स मान लो बन रहा है यहाँ पर 10,000 रुपये का और इसमें से आप माइनस करते हो 12,500 रुपये, तो ऐसा नहीं है कि आप -2,500 लिख के टैक्स डिपार्टमेंट से कहो कि मुझे टैक्स का पेमेंट वापस करो क्योंकि रिबेट है मेरा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका टैक्स मान लो
इस रिबेट से कम होता है, ठीक है, अगर आपका टैक्स जो है वो इस रिबेट से कम होता है तो फिर आपका रिबेट जो होगा वो मैक्सिमम टैक्स के अमाउंट तक ही हो सकता है। तो अगर आपका 10,000 रुपये तक का टैक्स बना है तो मैक्सिमम जो रिबेट आप क्लेम कर सकते हो वो 10,000 रुपये तक ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका 12,500 या 13,000 होता है, 14,000 होता है, तो फिर आप 12,500 रुपये तक ही क्लेम कर सकते हो। तो ये चीज़ आप समझ गए कि कितना रिबेट आपको मिलेगा, टैक्स के टैक्स से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब जो रिबेट होता है आपका, ठीक है, जो रिबेट होता है आपका वो या तो लेस देन होगा या तो फिर इक्वल टू होगा आपके टैक्स के, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी इनकम जो है देखिए 3,500,000 रुपये, इस पर आपका टैक्स बनेगा बिफोर सेस 5,000 रुपये का। इसमें से अगर आप रिबेट क्लेम करोगे तो 5,000 रुपये तक का ही रिबेट आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 12,500 रुपये तक आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आपका टैक्स उस तक क्रॉस करे। तो 5,000 रुपये का टैक्स हुआ, रिबेट क्लेम किया हमने 5,000 रुपये, तो हम लोगों को टैक्स का पेमेंट कितना पड़ना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, मतलब कोई टैक्स ही नहीं बचा, 5,000 माइनस 5,000 हो गया। इसके बाद अगर आपकी इनकम देखी होती 4,90,000 रुपये, तो 4,90,000 का अगर आप देखोगे तो 2,50,000 तक की तो इनकम क्या हो गई, नील हो गई, मतलब ये एग्जम्प्ट हो गया टैक्सेस पे। अब इसके बाद ये 4,90,000 में से 2,50,000 अगर चला गया तो आपका बचा कितना, 2,40,000, यानी कि 2.4 लाख। इस पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा 5% के हिसाब से, तो ये आपका बनेगा 12,000 रुपये, ठीक है। तो 12,000 रुपये का टैक्स आपका बन रहा है, रिबेट आप कितना क्लेम करोगे, 12,000 रुपये तक का ही आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। तो 12,000 माइनस 12,000 ज़ीरो हो गया। इसके बाद देखिए अगर आपकी इनकम 5,00,000 होती, मैंने आपसे कहा था कि 5,00,000 रुपये या उससे कम अगर आपकी टोटल इनकम है तो आप रिबेट को क्लेम कर सकते हो। तो 5,00,000 पे अगर आप देखेंगे तो आपका टैक्स यहाँ पर बनेगा 12,500 रुपये का, और रिबेट आप कितना क्लेम कर सकते हो, 12,500 रुपये ही क्लेम कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है, तब उस केस में आपका जो टैक्स है यहाँ पर वो एक्सीड कर जाता है कई बार, मतलब आपका हो सकता है 14,000 रुपये बन रहा हो सकता है आपका टैक्स यहाँ पर 15,000 रुपये बन रहा हो। तो टैक्स जब आपका 15,000 बनेगा तो आपको रिबेट मिलेगा सिर्फ 12,500 रुपये तक का, यानी कि 2,500 रुपये पे अभी भी आपको टैक्स का पेमेंट करना है इंक्लूडिंग 4% सेस। इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर जैसे ही इनकम आपकी 5,00,000 को एक्सीड करी, यानी कि आपकी इनकम हो गई 5,50,000 रुपये, आपका टैक्स यहाँ पर बनेगा 22,500 रुपये, लेकिन इस केस में आपको रिबेट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी इनकम जो है वो एक्सीड कर चुकी है 5,00,000 रुपये को। तो आपको जो टैक्स का पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 23,400 रुपये, मतलब 22,500, और प्लस आप इसमें करोगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सरचार्ज इसमें नहीं होगा क्योंकि वो 5,00,000 की इनकम को एक्सीड करने के बाद बात आती है उसकी। तो 22,500 का टैक्स हो गया प्लस 4% इसमें सेस गया, तो ये हो गया 23,400 रुपये, ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अलग अलग केसेस में मैंने इसको बांट दिया है, कब कब आपका कौन कौन से सेक्शन के अंदर में अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो उस केस में रिबेट आप किस तरीके से क्लेम कर सकते हो। ये कंप्लीट मैंने अलग अलग केसेस यहाँ पर ले लिए। देखें सबसे पहला अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बोला है टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम का मतलब है कि जो आपका एज पर स्लैब आप पे करने वाले हो। इसके बाद दूसरे इसमें अगर आप देखेंगे दूसरे कॉलम में तो यहाँ पर दिया टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, ठीक है, 111A के अंडर में आपका अगर टैक्स बन रहा है तो यहाँ पर दे दिया। उसके बाद टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है टोटल टैक्स बिफोर सेस, उसके बाद ये आपका हो गया रिबेट और यहाँ पर टैक्स पेबल। तो एक एक करके सारे केसेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहले केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम बन रहा है वो 8,000 रुपये का बन रहा है। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था यहाँ पर लिस्टेड इक्विटी शेयर को सेल करके, ठीक है, तो वो हम लोगों का कवर होता है अंडर सेक्शन 111A, तो वो आपका था 4,000 रुपये। यहाँ पर हम लोगों ने इनकम नहीं लिया, यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स को ले लिया, ठीक है, ताकि बेटर तरीके से हम लोग समझ पाएँ। 8,000 रुपये का आपका ये बना, 4,000 रुपये का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे बना, तो आपका टोटल टैक्स कितना बना, 12,000 रुपये का। तो आपको याद होगा आपको जो रिबेट मिलता है वो सिर्फ इसमें नहीं मिलता है, बाकी इसमें भी आपको मिलेगा और इसमें भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर तो आपको कोई इनकम ही नहीं हुई है, मतलब कोई टैक्स आपका बन ही नहीं रहा है, यहाँ पर आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे बना है, तो आपका 8,000 और प्लस 4,000 यानी कि 12,000 रुपये हुआ। तो रिबेट आपको कितना मिलेगा, 12,000 रुपये तक का मिलेगा, यानी कि टैक्स पेबल कितना हुआ, ज़ीरो हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे केस में अगर आप देखोगे तो आपकी इनकम हो रही 9,000 रुपये और आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हुआ है वो 4,000 रुपये का हुआ है, यानी कि आपकी इन ये जो टोटल टैक्स बना वो कितना हुआ, 13,000 रुपये का हुआ। अभी आपका जो टोटल टैक्स यहाँ पर बन रहा है वो 13,000 रुपये अगर बन रहा है तो आपको रिबेट कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपये तक का ही रिबेट आपको मिलेगा। तो 13,000 माइनस 12,500 यानी कि 500 रुपये का। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम था वो 8,000 रुपये था, आपको शॉर्ट टर्म से इस बार नहीं हुआ है और आपको लॉन्ग टर्म 112 से नहीं हुआ है, आपको कहाँ से हुआ है,
112 ए से हुआ है, तो आपका टोटल टैक्स अभी कितना बन रहा है, आपको पेमेंट करना था 13,000 रुपये का। लेकिन आप जब रिबेट की बात आएगी तो रिबेट आप कितना क्लेम कर सकते हो, रिबेट आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये का। ऐसा नहीं कि 12,500 का क्लेम करोगे, क्योंकि आपका ये वाला जो टैक्स है ये इसमें एडजस्ट होता ही नहीं है। तो अगर इसमें होता ही नहीं है तो हम लोग एडजस्ट किसको कर सकते हैं, सिर्फ किसको करेंगे, 8,000 रुपये को करेंगे। यानी कि हमारा 8,000 रुपये का रिबेट हमको मिलेगा, तो टैक्स का पेमेंट हमें कितना करना पड़ेगा, 5,000 रुपये का। ठीक है, मतलब जो हमारा LTCG अंडर सेक्शन 112A बना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको नॉर्मल इनकम पे टैक्स दिया हुआ 8,000 रुपये, और आपका शॉर्ट टर्म में नहीं है, लॉन्ग टर्म 112A के अंडर में नहीं है, आपका यहाँ पर 112 में है। तो टोटल टैक्स आपका वही बनेगा 8,000 + 5,000, यानी कि 13,000 रुपये। इस बार अगर आप रिबेट देखोगे तो आपको मिलेगा रिबेट 12,500 रुपये का। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको 8,000 रुपये का मिला था, क्योंकि आपका जो टैक्स था वो 112A के अंडर में आ रहा था। यहाँ पर आपका 112 में है, मतलब आपको ये इसका एडजस्ट कर सकते हो आप। तो 8,000 + 5,000 नहीं कि 13,000, लेकिन रिबेट थोड़ी 12,500 को क्रॉस कर पाएगा, तो रिबेट हमको मिलेगा 12,500 रुपये का। तो टैक्स आपका जो पेबल होगा वो 500 रुपये होगा, प्लस आप इसमें 4% का सेस भी यहाँ पर ऐड करोगे। इसके बाद देखें नेक्स्ट केस में, यहाँ पर 8,000 रुपये का हम लोगों का टैक्स है नॉर्मल इनकम पे, 2,000 रुपये का शॉर्ट टर्म में है, 1,000 रुपये का 112A के अंडर में। तो यहाँ पर 112 में कुछ नहीं दिया है, टोटल टैक्स बन रहा है 11,000 रुपये का, लेकिन रिबेट हमको कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 10,000 का मिलेगा, क्योंकि इसका तो एलिजिबल होता ही नहीं है। तो एलिजिबल कितना हुआ, 8,000 + 2,000, यानी कि एलिजिबल कितना है, 10,000 रुपये तक का है। तो 10,000 रुपये का हमको यहाँ पर मिलेगा, तो 1,000 रुपये पर हमको अभी भी टैक्स 1,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस 4% सेस। इसके बाद इसमें आपका देखिए 9,000 रुपये है, 5,000 रुपये शॉर्ट टर्म में हो गया, और 1,000 रुपये 112A के अंडर में आ गया। तो यहाँ पर आपका ये वाला तो देखिए एलिजिबल ही नहीं है, तो आपका एलिजिबल कौन सा है, 9,000 + 5,000, यानी कि कितना हुआ, 14,000 रुपये आपका एलिजिबल है। तो 14,000 में से आप कितना क्लेम करोगे, 12,500 रुपये क्लेम करोगे, यानी कि आपका टैक्स इसमें जो बचेगा वो कितना हो गया, 1,500 रुपये का। तो 1,500 रुपये ये और प्लस 1,000 रुपये ये, यानी कि आपको टैक्स का पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 2,500 रुपये का। मतलब 15,000 हमारा टोटल टैक्स बना, इसमें से रिबेट हमको मिला 12,500 रुपये का, क्योंकि इसमें से ही रिबेट मिलेगा 14,000 में से। तो ये हम लोगों को पेमेंट जो करना पड़ेगा वो 2,500 रुपये का करना पड़ेगा, क्योंकि 1,500 रुपये इसमें से बची हुई लिमिट, और 1,000 रुपये LTCG अंडर सेक्शन 112A। इसके बाद लास्ट अगर आप केस देखोगे तो आपको टैक्स और नॉर्मल इनकम हुई 8,000 रुपये की, 2,000 रुपये का आपका शॉर्ट टर्म पे है, 3,000 रुपये इसमें 112A के अंडर में, और 1,000 रुपये 112 में। तो टोटल टैक्स आपका बना 14,000 रुपये, लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए आप क्या करोगे, आपकी एलिजिबिलिटी होगी इससे, इससे और इससे, ये वाले से एलिजिबिलिटी नहीं होगी। तो 8,000 + 2,000 यानी कि 10,000 और प्लस 1,000 11,000। तो 11,000 रुपये का आपका जो टैक्स है वो यहाँ पर एलिजिबल होगा रिबेट के लिए। तो 11,000 में आप रिबेट कितना क्लेम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये तक। तो यानी कि यहाँ तो आपका जीरो हो गया, तो टैक्स आपका कितना बनेगा, 3,000 रुपये का, ये देखें। ठीक है, तो 14,000 में से 11,000 हमारे एग्जेम्प्ट हो गया, क्योंकि इन्हीं को एलिजिबल वालों को ही हम लोग काउंट करेंगे इसमें। तो 3,000 रुपये का टैक्स हम लोगों का यहाँ पर बनेगा, प्लस आप इसमें 4% सेस भी दोगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A को आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया, साथ में हम लोगों ने कंडीशन भी देख ली कि कितना रिबेट मिलेगा, किस केस में नहीं मिलता है, किस केस में आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। कहीं पर किसी भी तरीके का डाउट आपको हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के और भी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।